185 में आपको फोर्स ट्रेवलर मिल गई 2012 मॉडल, और ये आपने ली थी 2021 में। हाँ, 21 में ली थी। इसमें वो प्रॉब्लम है, घर में तो घर हिलता नहीं है। अब ये गाड़ी जब हिलती है तो वो ड्रॉर निकल के बाहर गिरा या निकल, ये जो कॉर्नर है ये आपकी कमर पे लग रहे हैं। बट आज भी आपको फोर्स ट्रेवलर में एयरबैग्स नहीं मिलते हैं, आज भी आपको फोर्स ट्रेवलर में एयर कंडीशनिंग नहीं मिलती है। मैं नहीं बोल रहा, ये फोर्स वाले बोलते हैं। आपके इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसे में खोलना, ये जैसे जेल में वो नहीं होता रोटी देने वाला। तो जब गाड़ी में इनर्शिया होता है तो जो वाटर ट्रेवल कर रहा है उसमें भी इनर्शिया होता है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाती है और आपकी गाड़ी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है। खाना बनाने की फैसिलिटी है इसमें, सोने की फैसिलिटी है इसमें, नहाने धोने वॉशरूम की फैसिलिटी है इसमें, एयर कंडीशनड यूनिट है अंदर से, इसमें टीवी भी लगा हुआ है। आज मैं हूँ आशीष भाई के साथ और इनके पास ये कैरावैन है जो इन्होंने खुद ही बिल्ड करी है। आज अब एमपी की स्पेशलिटी आपको पता ही है क्या होता है, पोहा। तो आशीष भाई ने सुबह सुबह पोहा बना दिया है। सो आशीष भाई, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो ये रिव्यू होगा, इस रिव्यू में हम जो भी बातचीत करेंगे आप कोशिश करना एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल रिव्यू देना। विच मीन्स कि अगर आपको लगता है कि इसको बनाने में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो वो गलतियों के बारे में आप हमें बताना, ताकि जो लोग आपकी गाड़ियां देख के अपनी गाड़ियां बनाना बिल्ड करना स्टार्ट करें वो गलतियां रिपीट ना करें। गलतियां फिक्स करना इज़ इम्पॉर्टेंट, गलतियों के साथ जीना गलत है, पर बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि लोग वही वाली गलतियाँ रिपीट ना करें। ठीक है आशीष भाई, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये गाड़ी आपने ली कहाँ से? ये मैंने गाड़ी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ऑक्शन में ली है। ऑक्शन में जो टेंडर मैंने वो किया था, कोइंसिडेंटली टेंडर में मुझे खुली गाड़ी, तो ये गाड़ी मैंने वहाँ से ली है। और ये है 3350 मॉडल, राइट? रेगुलर बॉडी 3350 व्हील बेस। ये प्राइवेट रजिस्टर्ड है, ओके में रजिस्टर्ड है, प्राइवेट है, तो व्हाइट प्लेट। ओके, और कितने में आपको ये गाड़ी पड़ी थी और कौन सा मॉडल है? ये 2012 मॉडल है, मुझे करीब 180 या 185 के आसपास पड़ा था। 185 में आपको फोर्स ट्रेवलर मिल गई 2012 मॉडल, और ये आपने ली थी 2021 में। हाँ, 21 में ली थी, 21 में ली मैंने। और मैंने इस गाड़ी को ले जाने के बाद जब गैरेज पर पहुंचा, क्योंकि मुझे जैसा फीडबैक उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिस ने दिया था कि इस गाड़ी में अगर यूँ समझ लीजिए, अगर हम लाइटर मोड में बोले तो अगर हवा भी भरवाना रहती है तो वो फोर्स के सर्विस सेंटर से ही भरवाते हैं, तो अच्छा। वेल मेंटेन थी। मुझे आज भी 2 साल 2.5 साल बाद इंजन में कोई इशू नहीं है। रेगुलर सर्विस करवाने से अलावा मुझे कोई ऐसा मेजर काम नहीं हुआ। आशीष भाई, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, इस गाड़ी में जो आपने बिल्ड किया है ये किसी फैब्रिकेटर से करवाया है या ये सेल्फ बिल्ड है, कैसे हुआ ये? इसका एक एक मिलीमीटर या इंच सब डिस्कस करके, जैसे ध्रुव भाई से डिस्कस किया है, हमारे जो ओवरलैंडिंग ग्रुप के बंदों से बात करके सब डिस्कस करके DIY करके ढूंढ के चीजें करके बनवाया। कारपेंटर ढूंढा है, प्लम्बर ढूंढा है, या इलेक्ट्रिशियन ऑटो इलेक्ट्रिक वाले ढूंढ के बनवाया। ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि ये गाड़ी सेल्फ बिल्ड है एक तरीके से। इसमें जो डिजाइनिंग है, जो इसमें दिमाग लगाया गया है, वो सारा आशीष भाई ने लगाया है। और इसके साथ जितने भी वर्कमैनशिप हैं, जैसे कारपेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया या डेंटर हो गया, इन लोगों ने आके इस पे काम किया है। मगर जो गाड़ी ओरिजिनली जो कॉन्सेप्चुअलाइज करी है वो आशीष भाई ने करी है। आशीष मैंने करी है, और कई बार ध्रुव भाई की मदद के लिए इनको परेशान किया हमेशा, या हमारे दूसरे ओवरलैंडर भाई हैं उन लोगों को फोन करके छोटी चीजें पूछी, सोर्स किए, पंप कहाँ मिलता है, या फिर इसका टॉयलेट कहाँ मिलेगा, AC कहाँ मिलेगा, या कैसे बनाए, क्या डिजाइन करें। सो गाइस, अगर आप अपनी गाड़ी बिल्ड कर रहे हो, आशीष भाई बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी गाड़ी बिल्ड कर रहे हो और आपका मन है कि आपको DIY करना है, या आप ओपिनियन भी चाहते हो किसी फैब्रिकेटर के बारे में, या कोई भी इस तरीके की जानकारी चाहते हो, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है और आप किसी से भी पूछ लें जिसने अपनी गाड़ी बनाई है, वो हमेशा तैयार रहता है आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन करें। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और ज़िंदगी के जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं उनको बटोर सके रियल नेचर में। एग्जैक्टली। तो हम लोग ये कैंपिंग कल्चर को मिलके प्रमोट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो इस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट होता है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप कभी भी हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको 100% टाइम हेल्प मिलेगी। गाइज, इस गाड़ी के किचन के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो किचन में अगर आप देखें, ये 3350 है, 10.5 इंच का, 10.5 फीट का इसमें कंस्ट्रक्शन स्पेस मिलता है। तो ये वो जो आप जगह देख रहे हो, जो एंट्रेंस है वहाँ से लेके यहाँ पीछे तक आपको 10.5 फीट का स्पेस मिलता है। तो आशीष भाई ने काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन किया है। सो आशीष भाई, किचन तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है आपका जी। बस एक ये बीच वाली जो ड्रॉर है, ये कहाँ गई? इस ड्रॉर की क्या कहानी है? ये जो गलतियां, जैसे हम जब निकलते हैं ट्रेवलिंग में, और स्पेशली पहाड़ों में, जहाँ हमारा टारगेट रहता है कि कैरावन बनाए तो पहाड़ों में जाएं, गर्मियों में स्पेशली, तो जब हमने बनाया तो गाड़ी ये ड्रॉर में लॉक प्रॉपर नहीं लग पाया। हमने सिंपल जैसे बनाने वाले ने या जो कारपेंटर था उसने बोला अरे कुछ नहीं होगा, मैग्नेट लगा दी, जो रेगुलर मैग्नेट हमारे घर के ड्रॉर्स में लगता है। हाँ, मैग्नेट कैचर बोलते हैं। अब उसमें वो प्रॉब्लम है, घर में तो घर हिलता नहीं है। हाँ। अब ये गाड़ी जब हिलती है तो वो ड्रॉर निकल के बाहर गिरा या निकला, तो अब इसको निकाल के रखा है, तो अब इसके लॉक के लिए कुछ DIY ढूंढना पड़ेगा जो इसको कर सके, लॉक कर सके। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज नंबर वन गलती, जब आप अपनी कैरावैन बिल्ड करें तो उसमें हर ड्रॉर में लॉक जरूर लगाएं, चाहे आप चाबी वाला लॉक लगाएं, चाहे वो आप क्लिक लॉक लगाएं, चाहे वो आप मिलिट्री लॉक लगाएं, बट लॉक बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद योर बर्नर। ये हॉप की बात करते हैं, ये हॉट सन, ये तो वही है जो मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ है। मेरा ब्लैक है, आपका ये व्हाइट कलर में है। अच्छा, तो ये कितने का कॉस्ट किया था आपको? करीब 850 रुपये का कॉस्ट है। अमेजोन नहीं, ये लोकल मार्केट से ढूंढा था इसको। अच्छा, लोकल मार्केट से। मेरा टारगेट ये नहीं था कि पैसे का क्या है, मुझे ये देखना था मेरी साइज में फिट होता है कि। सही बात है। कोइंसिडेंटली ये सेट हुआ कि साइज और मनी दोनों में मेरे लिए परफेक्ट रहा है। ठीक है। इसमें कोई हिंजेस लगाए, ओके, तो बेटर है कि जब क्लीनिंग करना रहती है तो इसको उठा के नीचे से क्लीन कर लेते हैं। तो बेसिकली गाइज इन्होंने क्या किया है, ये देखो आप, ये यहाँ से निकल नहीं सकता, ठीक है, तो ये चलती गाड़ी में खड़खड़ाहट आपको नहीं आएगी, ठीक है। और जब क्लीनिंग करनी है तो ये आपने उठा लिया और आपने नीचे से क्लीनिंग करके इसको वापस जमा दिया, ठीक है। अगला अगर आप देखें तो ये वही वाला टैप है जो मेरी गाड़ी में भी है। ये अमेजोन पे 1600-1700 रुपये के आसपास की कॉस्ट, पहले तो सस्ता आता था, 1000 रुपये का आता था, अभी मैंने कुछ दिन पहले चेक किया तो ये 1600-1700 का आता है। बहुत ही अच्छा और ड्यूरेबल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो इसको लेना हो तो आप मेरे अमेजोन पेज पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। अमेजोन की लिंक उसमें छोड़ी है मैंने। साथ ही अगर आप देखें सिंक, तो काफ़ी वाइड सिंक आपने रखा है आशीष भाई, इसका क्या रीजन था इतना वाइड सिंक रखने का? ये जो वाइड सिंक है मुझे लगता है ये भी छोटा है, क्योंकि इतने बर्तन होते हैं जब आप कंपनी करते हो तो बर्तन और इतना सब होता है। ये सिंक सिर्फ सिंक नहीं होता है, ये स्टोरेज भी होता है, राइट right, तो हमें दोनों right. प्लान करना पड़ता है कि स्टोर कर सकते हैं कैसे और इसको करें, इसलिए थोड़ा बड़ा रखा है इसको। नाइस, अभी मुझे छोटा लगता है इसमें। अच्छा, तो ये 2 फीट की कंस्ट्रक्शन लग रही है मुझे लगभग जी। और लेंथ वाइज कितनी है? ये 4 फीट है। नीचे भी इसके है कुछ? नीचे देखिए, ये सिलेंडर के लिए लगा हुआ है। ओके, है। अच्छा, आप कमर्शियल सिलेंडर यूज कर रहे हैं इंडियन का? जी हाँ, छोटू बोलते हैं इसको जी। ये जो मटेरियल ये प्लाई नहीं है, अच्छा पीवीसी मटेरियल है, तो पीवीसी में आप बिल्कुल मतलब हाथ से अगर स्क्रू पकड़ के हाथ से कसोगे तो कस जाता है, जैसे ये लगा हुआ है मैंने राइट, तो हाथ से घुमाओ घूम जाता है। तो मुझे गाइस ये पीवीसी, अगर जिन लोगों को, जिन भाइयों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, पीवीसी वाटरप्रूफ होता है, पीवीसी मेंटेनेंस फ्री होता है और थोड़ा सा लकड़ी से महंगा होता है, मगर ये आपका लाइफ टाइम का काम हो जाता है। इसमें आपकी ना, इसमें ना ये सड़ेगा, ये गंदा होगा तो इमीडिएटली साफ हो जाएगा, इसके इसमें पानी से कोई डैमेज नहीं होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है ये लाइट वेट रहता है, तो जैसे एग्जैक्टली कैरावन में देखते हैं लोड नहीं हो, प्लाई का इतना सब बनाएंगे तो बहुत लोड हो जाएगा। एग्जैक्टली प्लाई ये करेंगे, बहुत लाइट वेट है। अगर आप इस काउंटर को उठाना चाहें, इसको अगर मैं स्क्रू से खोलूँ तो मैं उठा के इसको बाहर रख सकता हूँ, इसमें कुछ वेट नहीं है। राइट राइट, ऊपर एक माइका लगा दिया है कि हीट प्रूफ है। और ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं, तो ये आपका किचन की स्टोरेज होगी राइट? हाँ जी, कि बेसिकली दाल राशन वगैरह सब कुछ आपका। यहाँ कुछ छोटे-छोटे बर्तन, ठीक है। अच्छा, इस वाले में क्या रखा है आशीष भाई नीचे? ये इसमें एक्चुअली हमारा फ्रिज आता है, अभी फ्रिज निकाल के बाहर रखा हुआ है, तो इसमें थोड़ा बहुत ही राशन और बर्तन रखे। फ्रिज कौन सा यूज कर रहे हो आप? DC फ्रिज 12 वोल्ट? हाँ, पहले मैंने इसमें AC फ्रिज ही रखा था, वो पावर कंजम्पशन ज्यादा देता, तो अभी DC LP उनका DC रखा हुआ है। अच्छा, ओके। और इधर क्या है? ये एक स्टोरेज है, ये भी स्टोरेज है, ये भी बेसिकली आपकी किचन की स्टोरेज है। वहाँ से आपकी एंट्रेंस हो गई और ये आपका कर्व में आ गया, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये जो साइड्स हैं, ये जो कॉर्नर हैं, ये आपकी कमर पे लग रहे हैं या ये आपको परेशान कर रहे हैं। ये काफ़ी स्मूथ इन्होंने इसकी एजिंग दी है दोनों तरफ से, उधर से भी इधर से भी। इसमें कोई भी ओपन एजेस नहीं दिखाई दे रहे जिसमें आपको लगे कि चोट लग सकती है। ऊपर यहाँ पर इधर की तरफ एक छोटा सा बॉक्स है जो कर्व में है, ये MCB बॉक्स है बेसिकली। यहाँ पे पूरा सर्किट डायग्राम बहुत ही फॉर DIY ये काफ़ी अच्छे तरीके से बना है। इसमें सब कुछ लिखा है कि 12 वोल्ट पे क्या चल रहा है, 24 वोल्ट पे क्या चल रहा है, इन्वर्टर पे क्या चल रहा है। गैस वेंटिलेशन के लिए एक ये फ़ैन दिया गया है, बेसिकली ये वाला फ़ैन आपका लाइट का काम भी करता है। इसमें सेंटर में लाइट है, इसमें फ़ैन भी है। इसकी क्या कॉस्ट थी आशीष भाई? इसका कॉस्ट एग्जैक्ट याद नहीं है, मुझे हिसाब से 4000 रुपये के आसपास का है शायद ये। इसी के साथ इनके पास वेंटिलेशन के लिए 2 फैन और दिए हैं पीछे, एक फैन इधर दिया है, एक फैन इधर दिया है। गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो अच्छी खासी अपहोल्स्ट्री दिखाई दे रही है। ऊपर मुझे ये PVC के पैनल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि फायर रिटार्डेंट होते हैं और वाटरप्रूफ होते हैं। इसके साथ ही साथ सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं, व्हाइट कलर की लाइट्स है ना आशीष भाई? हाँ, ये व्हाइट लाइट है, एक लाइट इसमें वार्म लाइट है। ये वार्म लाइट है, ये ऑन हो गई है। ये पूरी की पूरी गाड़ी को कवर कर रही है। बहुत ही ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं सुबह के टाइम इसका रिव्यू बना रहा हूँ, रात को इसकी वाइब अलग ही होगी। एक इनके पास 24 वोल्ट का एसी है, ये देखो ऊपर माउंटेड है, ये 24 वोल्ट का एसी माउंटेड है ऊपर। गाइस इस गाड़ी में सिर्फ एक ही एसी लगा हुआ है, आशीष भाई सिर्फ एक ही एसी लगा रहे हैं। ये 24 वोल्ट का एसी लगा है। जनरली लोग क्या करते हैं फोर्स ट्रैवलर में, फोर्स ट्रैवलर एक बिल्कुल ही रॉ तरीके की गाड़ी आती है, बिल्कुल रॉ गाड़ी आती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पावर स्टीयरिंग मिलता है बस, और पावर ब्रेक्स वगैरह मिलते हैं जो कि बेसिक्स हैं। आजकल जो 6.2 आ रहा है उसमें आपको ABS मिल जाता है, बट आज भी आपको फोर्स ट्रैवलर में एयरबैग्स नहीं मिलते हैं, आज भी आपको फोर्स ट्रैवलर में एयर कंडीशनिंग नहीं मिलती है, वो आपको एक्सटर्नली फिट करनी पड़ती है। ऑन एन एवरेज जो फोर्स ट्रैवलर में एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आती है वो आती है लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास, 1.25 लाख से 2 लाख रुपए अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं, सिंगल ब्लोअर डबल ब्लोअर। वो कैपेसिटी तो लोग क्या करते हैं, एक यूनिट उसकी होती है जो ऊपर चले जाती है और वो इंजन ड्रिवन एसी होते हैं बेसिकली, और लोग जनरली कैरावैन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी के अंदर 2 AC इंस्टॉल करते हैं। एक उनका होता है या तो DC वाला जो DC पावर से चलता है एयर कंडीशनिंग, या फिर वो घर का डोमेस्टिक AC लगा लेते हैं पीछे, और दूसरा जो होता है वो चलता है इंजन से जो कि चलती हुई गाड़ी में सपोर्ट करता है। आशीष भाई ने थोड़ा दिमाग अच्छे से लगाया और उन्होंने डबल खर्चा नहीं किया, उन्होंने एक ही खर्चा किया। अब मैं बताता हूँ डबल खर्चा कैसे। घर का अगर आप एक नॉर्मल AC लगाओ 1.5 टन का, उसकी कॉस्ट आती है 35,000 से 40,000 रुपए के आसपास स्प्लिट यूनिट की। ऑन टॉप ऑफ दैट आप 1.5 लाख रुपए के आसपास स्पेंड करते हो अपना गाड़ी के AC में, जो थर्मोकिंग नाम की एक कंपनी है उनका आता है, 1-2 और अच्छे ब्रांड्स हैं, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास की उनकी कॉस्टिंग आती है। ओवरऑल आपका AC का खर्चा आ जाता है 2 लाख रुपए के आसपास, सब कुछ मिला के, वर्कमैनशिप और ये सब कुछ मिला के 2 लाख रुपए के आसपास खर्चा आता है। अब ये 2 लाख रुपए ना बहुत बड़ी रकम है गाइस। सो जो ये AC आशीष भाई ने लगाया है इसकी कॉस्टिंग आई है लगभग 1.35 के आसपास आया, 1.35 के आसपास आया है। ये इसमें इनका ऑल्टरनेटर क्या है, एक इसमें सेपरेट ऑल्टरनेटर इंस्टॉल होता है 24 वोल्ट का। इसमें मॉडल आते हैं 24 और 12, अगर आप लगवाओगे तो आप 24 ही लेना। सो जो 24 वोल्ट का ऑल्टरनेटर है वो डायरेक्टली बैटरीज के साथ कनेक्ट हो जाता है, आपकी जो लेजर बैटरीज है उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। एक तो वो आपकी बैटरीज को चार्ज करता रहता है अगर आप AC नहीं यूज कर रहे, अदरवाइज वही ऑल्टरनेटर आपके AC को पावर दे देता है। और इन्होंने ये यूनिट्स इंस्टॉल करी है सेंटर ऑफ द गाड़ी में, तो अब ये पूरी की पूरी गाड़ी ठंडी हो जाती है। इसमें छोटा सा कैच है जो मेरे को आशीष भाई ने अभी बताया, वो क्या चाहिए है कि इस तरीके के AC को करीबन 15 से 20 मिनट लग जाते हैं गाड़ी को चिल करने में, बट एक बार आपकी गाड़ी ठंडी हो जाए तो फिर वो ठंडी ही रहती है। और आपका जो 2 लाख रुपए का खर्चा है वो कम होके 1.25 से 1.35 के आसपास आ जाता है। और गाइज ये जो AC है ये ग्रिड सप्लाई से भी चल जाता है, तो मतलब अल्टीमेटली आपको गाड़ी के इंजन को ऑन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और एक और मैं आपको बात बता दूं, ये फोर्स वाले बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये फोर्स वाले बोलते हैं। ये जो गाड़ी है, लोग क्या करते हैं कैरावेंस बना लेते हैं, रात भर उनको AC चलाना होता है तो गाड़ी को ऑन छोड़ते हैं, आपके इंजन की लाइफ खत्म हो जाएगी ऐसे में। ये इंजन आइडलिंग के लिए बना ही नहीं है, ये इंजन एक्सटेंडेड आइडलिंग के लिए बना ही नहीं है। जो एक्सटेंडेड आइडलिंग वाले इंजन होते हैं वो अलग होते हैं। इस गाड़ी का FM 2.6 का इंजन है, ये एक्सटेंडेड आइडलिंग के लिए बना नहीं है, तो वो आप गाड़ी पे लोड पड़ता ही पड़ता है। गाड़ी के ना वॉशरूम की तरफ चलते हैं। 3350 मॉडल है, सही लग रहा हूँ ना मैं? 10 ठीक है, चलो। ये आ गया अपना वॉशरूम, ये वॉशरूम का एरिया आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली 2 फीट के आसपास या 2.5 फीट लग रहा है मुझे, ये 2.5 फीट से थोड़ा ज़्यादा, 2-3 इंच ज़्यादा है। ठीक है, 2 फीट से 2-3 इंच ज़्यादा ये आपका वॉशरूम एरिया है। और इसकी जो लेंथ है ये आई थिंक 4 फीट के आसपास है। 4 फीट है, तो 4 फीट की लेंथ हो गई। और इसमें ना एक टॉयलेट सीट लगी हुई है, ये मरीन ग्रेड की टॉयलेट सीट है। इसकी क्या कॉस्टिंग है आशीष भाई? ये इंक्लूडिंग कुरियर अराउंड 44K का है। 44,000 रुपये में ये 12 वोल्ट वाला है या 24 वोल्ट वाला? ये 24 वोल्ट। 24 वोल्ट वाला इन्होंने अपना ये लगाया है। इसका सेप्टिक टैंक नीचे है। हाँ कितने लीटर का सेप्टिक टैंक बनाया? 100 लीटर के आसपास का, 100 लीटर के आसपास। और इसको यूज करना कंफर्टेबली यूज हो जाता है, कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, यू फील गुड। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा गाइस वॉशरूम, बिल्कुल बेसिक वॉशरूम है। इस पूरे वॉशरूम की कीमत अगर मैं बताऊं आपको तो 44,000 रुपये का, तो इंक्लूडिंग शिपिंग आपका ये कमोड आ गया। बाकी इसकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 रुपये। हाँ अप्रॉक्स या ज़्यादा 25 होगा अगर हम वॉल सब देखें तो। हाँ वॉल वगैरह सारे दरवाजे, आपने स्लाइडिंग डोर लगाया, जो स्लाइडिंग डोर है। एट द सेम टाइम इसकी जो फ्लोर मैंने बनवाया नीचे, ये FRP का बनाया, इसका टब FRP फिक्स करवाया है कि ये ठीक रहता है बेहतर। गाइस मैं जनरली बहुत सारी कैरावैन्स रिव्यू करता हूँ, मोस्टली ना वॉशरूम एरिया स्टिंक करता है। जनरली मैक्सिमम लोगों की गाड़ियों में वॉशरूम एरिया जैसे दरवाज़ा खुलता है उसमें एक फाउल स्मेल होती ही होती है। और चाहे आप कैसेट टॉयलेट यूज़ कर लो, चाहे आप ये इस तरीके का मरीन ग्रे टॉयलेट यूज़ कर लो जो वैक्यूम पे चलता है, तो फिर भी एक छोटी सी स्टिंकी स्मेल आती है। आशीष भाई का दरवाज़ा बिल्कुल खुला हुआ है और इसमें 0%, मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आशीष भाई मेरे साथ है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ 0%। अगर प्रॉब्लम हो रही होती तो मैं दरवाज़ा बंद कर देता। आप मेरा कोई भी रिव्यू उठा के देखो, कोई भी रिव्यू उठा के देखो, आप मेरे वॉशरूम के दरवाजे आप हमेशा बंद देखोगे क्योंकि वो स्टिंग करते हैं। इसका दरवाज़ा कब से खुला है, हम लोग जब से हैं, इसमें 0% ऑर्डर है। इनका ना जो इनका जो पर्पस था, आशीष भाई क्लियर थे कि उनको ना गाड़ी खुद नहीं चलानी, ये मोस्टली शॉफर ड्रिवन होगी, तो इन्होंने यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर दे दिया है और ड्राइवर केबिन को अलग कर दिया है। ये देखो गाइस, ये है ड्राइवर केबिन और ये सेपरेटेड है बिल्कुल फ्रॉम द पैसेंजर। अब इसको अगर आप बंद कर देते हो, यहाँ पे एक छोटी सी विंडो है जिससे आप ड्राइवर से बात कर सकते हो, इसको आप खोलना। ये जैसे जेल में वो नहीं होता रोटी देने वाला, जैसे रोटी देते हैं ना जेल में, ये वैसा सा एक बना दिया है। आशीष भाई इसको कुछ और कर सकते थे, ये तो बिल्कुल वैसा ही। देखिए जब DIY होता है ना, तो आप जब लास्ट मिनट में समझ में आता है क्या करें, तो फिर यही होता है। आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। exactly. तो यही होता है कि सर अभी उसमें हमें एक लीवर लगाना है। आप सोचिए गाड़ी बनी होगी, लीवर नहीं लगा रहा, उसको ऐसी स्लाइड करने में प्रॉब्लम आता है कि हैंडल जैसा लगा दें, उसको स्लाइड इजी हो जाएगा। इन्होंने एक यू शेप का सोफा बना लिया है और ये इनका बेड का काम भी करता है। एक बार आशीष इसको बेड में कन्वर्ट करके दिखाओ कि कैसा दिखता है। ये एक स्लाइड है, ये फोम लगा देते हैं, बेड बन गया। 6.3 या 6.4 इंच का एक बेड बन जाता है, ठीक है, और हम तीन लोग बहुत कंफर्टेबली इसको सो पाते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि साइड में आपके पास दो बेड और हैं। हाँ, ये जो बंक बेड्स हैं बेसिकली, राइट। इनको आप कैसे बनाते हो आशीष भाई? ये अपन हम इसको मन खोलेंगे। हाँ, तो ये एक और फोल्ड होगा, मैं एक सेकंड इसको उठाता हूँ। ओह अच्छा 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 अच्छा, गॉट इट। इसको बीच में से थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, आराम से। Got it. इसका पार्टीशन दोनों साइड से है। ये तो रेलवे वाले बर्थ होगा बेसिकली, एक तरीके से रेलवे बर्थ होगा। अच्छा, एक ना फ्लॉ मुझे इसमें जो दिखाई दे रहा है, जो डिजाइन फ्लॉ है, वो ये है कि इस वाले स्ट्रक्चर की वजह से ना एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, आपकी आधी विंडोज डेड हो गई है। हाँ, वो प्रॉब्लम आता है विंडोज। तो आप इसको शायद मेरे हिसाब से ऐसा कर सकते हैं कि इसको छोटा करके इसके फोल्ड बढ़ा सकते हैं, थोड़ा नीचे लग जाएगा और ये थोड़ी विंडो और मिल जाएगी। राइट, आई थिंक दैट वुड बी अ गुड सोल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप क्या यूज कर रहे हो उस गाड़ी में? एक मैंने इन्वर्टर तो देखा था नीचे, माइक्रोटेक का इन्वर्टर, प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर है वो, ठीक है। उसके अलावा दो एक्स्ट्रा बैटरीज हैं एक्साइट की, कितने 100 एम्पीयर की बैटरीज है दोनों। अच्छा, तो वो बैटरीज यूज करना, उससे पावर यूज होता है। सोलर अभी इसमें फिट नहीं है, सोलर फिटिंग पेंडिंग है, वायरिंग वगैरह पूरा किया हुआ है, सोलर पर सोलर पैनल लगना है। इसका ओवरहेड टैंक बना हुआ 200 लीटर का ओवरहेड। ओके। उसकी वजह से कोई वाटर ड्रैग वगैरह तो नहीं आता? इसको हम इतना लोड लेके चलते नहीं कि पूरा फुल फिल करके रखा, जितना यूटिलाइजेशन होता है पानी, और पानी मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा फिल करके चलना नहीं। आशीष भाई के साथ हूँ, फिर भी ये बात बोल रहा हूँ, जब आप अपनी गाड़ी बिल्ड करें, कोशिश करें कि अगर आपको 200 लीटर के आसपास की कैपेसिटी चाहिए टैंक की, तो अंडर बॉडी टैंक बनवाएं, वो बेटर है। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हो तो इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर आपको याद हो फिजिक्स का एक चैप्टर हुआ करता था, इनर्शिया ऑफ मोशन। सो जब गाड़ी में इनर्शिया होता है तो जो वाटर ट्रैवल कर रहा है उसमें भी इनर्शिया होता है। जैसे ही आप ब्रेक मारते हो तो आपकी गाड़ी रुकती है क्योंकि आपके ब्रेक्स लगते हैं, मगर वो जो वाटर है वो एक ड्रैग मारता है और आपकी ब्रेकिंग में इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो ये फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर, जैसे ही आप रूफ पे वजन बढ़ाते हो, और वो भी 200 लीटर का वजन बढ़ाते हो, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर उठ जाती है और आपकी गाड़ी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करती है, विच मीन्स कि अब आपकी गाड़ी के टॉपल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कॉर्नरिंग के टाइम पे। ये थोड़े से टेक्निकल चीज़ें हैं, मगर इसको मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो आपको अपनी गाड़ी में वाटर टैंक ऊपर नहीं बनवाना, अंडर बॉडी बनवाना है। कोई भी ऐसी चीज जिसमें वजन है वो ऊपर नहीं होनी, वो नीचे होनी है। एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरेज बनाई गई है और ऊपर इसके एक टीवी लगा है। कितने, 32 इंच का है? नहीं, ये 24 इंच का स्मार्ट टीवी। तो ये टीवी भी लगा है, फुल एंटरटेनमेंट इस गाड़ी में। गाइस सब कुछ है इसमें, खाना बनाने की फैसिलिटी है, इसमें सोने की फैसिलिटी है, इसमें नहाने धोने वॉशरूम की फैसिलिटी है, इसमें एयर कंडीशनड यूनिट है अंदर से, इसमें टीवी भी लगा हुआ है। आप इसके अलावा कुछ और सोच नहीं सकते हो। एवरीथिंग, जो कुछ एक गाड़ी के अंदर हो सकता है, वो मेरे को इस गाड़ी के अंदर दिखाई दे रहा है। और एस्थेटिकली ये काफी ब्यूटीफुल है, वाइट और बेज कलर का इंटीरियर का यूज किया गया है, तो काफी अच्छी लग रही है, दिखने में काफी एयरी लग रही है, काफी बड़ी लग रही है गाड़ी। और ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा इस गाड़ी के साथ? अच्छा रहा यार, एंजॉय। जल्द से जल्द फिर एक सेकंड टूर पे निकलते हैं, अभी हम 3-4 दिन में वापस अपने घर पहुंचेंगे। तो आशीष भाई ठीक है, फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट, हैव अ हैप्पी जर्नी। बिल्कुल 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 आऊँगा आपसे मिलूंगा। ठीक है जी, चलो हैव अ हैप्पी जर्नी। ओके बाय बाय। कैरावैन पार्क अपना फिर से खाली सा होने लगा और देखते हैं शाम तक कौन आता है, कोई ना कोई रोज़ ही आ जाता है।